बंदे की जुबान बंद हो जाती है। वैसे भाई है तू जन्नती, देख ना कोई कुछ भी कहे मगर तेरी जुबान से हाँ या ना का लफ्ज निकलता ही नहीं। बाबा सूरज है ना इसका नाम, आप नहीं बोलते ये समझ आता है मगर इसके ना बोलने का राज पता है आपको? काला करता है ये, काला समझते हो ना? अरे वही भाई आप भी बहुत भोले हो, काला जादू करता है। वो अपने मोहल्ले में रहता है ना नूर आलम, वो भी इसका शागिर्द है। वही भाई मैं इधर आया। पान की दुकान पर खड़े हुए नसरुल्ला और वहीद के लिए गोली चलने की आवाज कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ नाजायज असलहे की इतनी बहतात हो चुकी है कि हमारे मोहल्लों और इलाकों में अगर कुछ दिनों तक गोली चलने की आवाज ना आए तो कोई कमी महसूस होने लगती है। नसरुल्ला के गोली चलने की आवाज पर इस तरह भागने की वजह दरअसल ये थी कि वो ये जानना चाहता था कि इस गोली का शिकार होने वाला कहीं कोई उसका अपना तो नहीं। क्या हुआ? किसने मारा इसको? और ये तो मर गया, किसी ने वर्मा टूटू या पुलिस को फोन किया? और यार कोई चादरी डाल दे यार इस पे, किसी ने मारते में देखा इसको? पता नहीं कौन था, कुछ बार मैंने एक शख्स था जो इधर को भाग गया। कौन था? उसका मुंह देखा? पता नहीं, मैंने मुंह नहीं देखा लेकिन इस तरफ हो गया। यार कोई चादर डाल दो यार। हेलो जी, मैं निशात कलोनी गली नंबर 9 से नसरुल्ला बात कर रहा हूँ। सर सर यहाँ पर किसी ने एक शख्स को गोली मार दी है। वैसे ये फोन किसने किया था? वो जी नसरुल्ला ने, मल्लेदार है हमारा। और वो तो ठीक है मल्लेदार है, पर वो है किधर? पता नहीं जी, उस तरफ को गया है। सच सच बता दो, कहीं वो तो नहीं से गोली मार कर भाग गया? नहीं सर जी, वो ऐसा नहीं है, नसरुल्ला तो बाद में आया है। वो हमें फोन करके भागा क्यों है यहाँ से? सर जी ये दो जुतियाँ मिली है गली में से, लगता है उसी कातिल की है। तुम कौन हो? मेरा नाम जी नसरुल्ला है, मैंने 15 पे फोन किया था। अच्छा कमर ये जुतियाँ रख लो और 1122 पे फोन करो, ये डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंचानी है। मरने वाले की शनाख्त सूरज बाबा के नाम से हो चुकी थी, जो करीबी इलाके में तावीज गंडे का काम करता था। उसकी लाश पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी, मगर इस वक्त तक का सबसे अहम सवाल, इसे कत्ल किसने किया और क्यों किया? ये सवाल मोहल्लेदारों और पुलिस वालों सबके लिए ही एक मुअम्मा बना हुआ था। एक जूती करीबी गली से मिली, जबकि नसरुल्लाह को मिलने वाली दूसरी जूती इसी मोहल्ले के एक घर के सामने से मिली, जो कातिल की भी हो सकती है।
या कातिल इसी घर का रिहायशी था। पुलिस ने शक की बिना पर अपनी तफ्तीश का दायरा वसी किया और इस घर के दरवाजे तक पहुंची। जी सर, दूसरी जूती मुझे इस घर के सामने से मिली थी। और इधर कौन रहता है? पता नहीं सर। ओए अपना फरियाद, और जरा दरवाजा तो खटका। ओए ऐसे नहीं, जरा जोर से खटका। ओए रहीम, तू इधर कैसे? ओ मेरी तो रिहाइश है, तू कैसे? ओ यार, कोई बंदा मार के भाग गया है दो गलियां छोड़ के। बंदा मार गया? हाँ। कौन? सर यही पता करने के लिए तो आपको दरवाजा बजाया है। एक जूती आपके घर के सामने से मिली है। तो तेरा क्या मतलब है? मैंने मारा है? हम मुजरिमों को पार कर देते हैं, कत्ल नहीं करते। ओए आखिर पुलिस वाले हैं। सारा दिन घर से गायब होता है, घर पे होता है तो सोया रहता है। उठ जा, दिन चढ़ आया है। माँ सोने देना, मैंने उठ के कौन सा पहाड़ खोदने हैं। अच्छी भली नौकरी थी, 2 लाख खर्च करके तेरे भाई ने दिलवाई थी। ऐश करने के दिन है माँ, ऐश करने दे। नूर आलम, तुझे पता है तेरे दोनों भाई तेरी वजह से कितने परेशान रहते हैं। वो दोनों तो बाहर कमा रहे हैं माँ, मुझे भी बाहर भेज देना उनके पास। माँ मुझे भी बाहर उनके पास भेज देना, यहाँ चाहे अकेली मैं मर भी जाऊं और किसी को खबर ना हो। ना माँ, ऐसी बातें ना कर। तो कैसी बातें करूं? तुझ में ऐसी शक्ति डाल दूंगा माँ कि तू कभी मरेगी नहीं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बस थोड़ा इंतजार कर ले। ये जान अल्लाह ताला को देनी है, मुझे उल्टी बातें ना सिखा। बस तू देखती जा। तेरा ये होनहार बेटा करता क्या है? इसे नेक कर दे, ये अपने रास्ते से भटक गया मेरे मन। कमर ये जूते ले जा फ्रांसिक लैब टेस्ट के लिए। तो सर जी क्यों मरवाना है? पता नहीं किसके जूते हैं, पता चले मेरे ही पता साफ हो जाए। सारी जिंदगी डरते रहना, तरक्की ना करना, चल जा नखरे ना कर। राइट सर। वो फरियाद को भेज। राइट सर। फरियाद ये लेटर अस्पताल ले जा, डॉक्टर को कहना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दें। जी बेहतर फरियाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल सूरज बाबा की मौत सर पर पीछे की जानिब से गोली लगने की वजह से हुई। गोली खोपड़ी में लगी और यूं ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत मौके पर ही वाके हो गई। पुलिस को उसके वरसा के बारे में कोई इल्म नहीं था, इसी वजह से पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को डेड हाउस मुंतकिल कर दिया और फिर एक बार दोबारा कातिल की तलाश शुरू कर दी।
असगर चाय ले भी आ यार। तो यार तूने अपने वो बैर वाले भाई से बात नहीं की? यार वो नहीं किसी को बुलाता अपने पास। देख ले पहले तूने क्या कहा था। अच्छी भली पुलिस की नौकरी है तेरे पास। और तेरे पास भी तो थी, क्यों छोड़ी है फिर? छोड़ी नहीं, वो तो बड़े साहब ने छुट्टी कराई थी। इसका मतलब है तू मेरा काम नहीं कराएगा फिर? ये देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जान छोड़ दे। ठीक है बेटा, छोड़ दी तेरी जान, अब नहीं कहूंगा तुझे। आजा तुझे अपनी लाली से मिलवाओ, जान देती है मुझ पर। ओए तुझ पे जान देती नहीं है, तेरी जान लेने के चक्रों में। आजा यार, उसे भी तो पता चले कि मेरी पक्की दोस्ती है पुलिस से। ओए जा सूटे लगा और काम कर अपना, मैं तो जा रहा हूँ ड्यूटी पे। देख ले फिर ये दोस्ती तो फिर ना हुई ना। कहता है तुम मेरा दोस्त है, मेरे साथ लाली से मिलने तो गया नहीं। बेटा नूर आलम, मुझे क्या पता जी, होगा कहीं दोस्तों यारों में। अच्छी माँ हो, बेटे का पता ही नहीं कहाँ है। औलाद जवान हो तो पूछने से डर लगता है। कितने बजे तक घर आता है वो? दो दो दिन तो घर में घुसता ही नहीं, अब मैं उसे कहाँ से ढूंढूं। ठीक है फिर हम उसे पता कर लेते हैं। चलो भाई। बात सुनो, क्या बड़े साहब ने बुलाया है? बस ऐसे ही समझ लो। उसकी नौकरी दोबारा दिलवा दो ना। फिक्र ना करे माँ जी, समझे लग गया वो नौकरी पे। अच्छा बेटा, ये तो बहुत बड़ी नेकी होगी, बहुत बड़ी। बस दुआ करें एक बार मिल जाए हमें वो। अच्छा अल्लाह तुम्हारा। अच्छा जी पुलिस आखिर नूर आलम को गली गली तलाश क्यों कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस का साबिक अहलकार होने की वजह से आला अफसरान को उस पर बिलाखिर रहम आ गया और वो उसे बहाल करने के लिए तलाश करवा रहे थे, या फिर किसी ने उसकी शिकायत की थी। जो भी था, ऐसा लगता था कि आज पुलिस नूर आलम को तलाश करके ही रहे।
देख तू मुझे छोड़ तो नहीं जाएगा? पागल हो गई है क्या? तू ही तो सब कुछ है मेरी। देख मेरे ना आगे पीछे कोई नहीं। बस एक वादा किया। वादा किससे वादा किया है तूने? अरे अपने आपसे वादा किया है। क्या? बस बुराई को खत्म करना है दुनिया से। अरे तू भी किस चक्कर में पड़ा है? चल चल तू बता। मैं गलत हूं क्या? नहीं तू तो गलत नहीं सकता, लेकिन मुझे भी बैठे हो? हाँ कमर उठाओ इसको। डाले उड़े अरे उड़े उड़े क्या हो रहा है? क्यों उठा रहे हो? होश में नहीं है इसलिए। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, छोड़ दे इसे। नहीं तो क्या कर लेगी तू? देख खाओ खाओ मुझे संग न कर। अरे उठाओ इसको। तू जानता नहीं है मुझे। तुझे भी जान लेता हूँ, पहले इसको उठा लो। चले उड़े उठाओ इसे और ले चलो। पीछे हट जाओ वरना मार खाएगी। पीछे हट जाओ, गोली मार दूंगा।
किसी ने सच कहा है। होश ना हो तो बंदा गर्क हो जाता है। और हाथ बांधो इसको, ले चलो। अब ये सब कुछ सच सच बता देगा। देख, देख, काली सुबह है मेरी, ऐसी बदवा दूंगी, ऐसी बदवा दूंगी कि तेरा कुछ भी नहीं बचेगा। नूर आलम को थाने ले जाने के अंदाज से महसूस हो रहा था कि मामला कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को सूरज बाबा के कातिल मिल ही ना रहे हो और उन्होंने अपने साबका अहलकार और नशे के आदि नूर आलम को इस केस में मुलव्वस करने की ठान ली। पुलिस जिस वक्त नूर आलम को लेकर थाने पहुंची उस वक्त भी वो नशे में था। मगर अगले रोज क्या हुआ, इकरार या इनकार? हाँ भाई इम्तियाज, कैसे पता चला है मुलजिम का? सर जी हवलदार रहीम ने फोन करके बताया था। हवलदार रहीम? अरे ये कहाँ होता है? सर शाही बाजार चौकी पर होता है। अच्छा तो ये सब उसने बताया, तो फिर तुम लोगों ने क्या किया? सर ये कमर पागल हो गया है, मुलजिम तो हमने खुद पकड़ा है। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कि क्या कहता है वो, क्यों मारा उसने बाबा सूरज को? सर रात को तो उसे होश ही नहीं था, अगर आप इजाजत दें तो आप पूछ लें। इजाजत की क्या बात है, जो पूछो से। राइट सर। कंबर तुझे कभी अकल नहीं आएगी। क्यों, क्या हुआ सर जी? और तुझे क्या बताने की जरूरत थी कि हवालदार रहीम ने हमें मुलजम का बताया था? जिससे क्या फर्क पड़ता है, जल्दी पता चल जाएगा जब कैश अवार्ड मुझे मिलेगा तुझे नहीं। लो ये क्या बात है भला सर जी? ओए बोलता नहीं है, बताता नहीं है। ओए कल तो बड़ा पिस्तौल निकाल के डरा रहा था हमें, है? किसने डराया सरकार? कसम ले लो मुझसे। सही तो कहता सरकार, कल तो तुम था। ये कुछ बकाया है कि नहीं? ये कहता है कि आप तो नहीं बोल दो, सब कुछ बता दूंगा। क्यों मारा तूने बाबा सूरज को? मैंने कब कहा कि नहीं मारा? क्यों उसे मारे जाना चाहिए था, गंदे काम करता था वो। क्या गंदे काम करता था वो? वो लोगों पर काला इलम करता था और शरीफ लोगों को तंग करता था। तेरे साथ ज्यादती की थी कोई उसने? मैं भी इलम सीखने जाता था उसके पास। उस दिन मैं उसके पास गया था, उसने कहा Oh, my God.
सीखना है तो ये सब तुझे करना पड़ेगा। मैं मुसलमान हूं, गलाजत पाक जगह पर नहीं पहन सकता। तो फिर जा, चला जा यहां से, तू ये इलम नहीं सीख सकता। देख ले सूरज। क्या देख लो, चल जा, जा जाके नूरी सीख। चल। अच्छा, इसके अलावा कुछ बता, और क्या कर सकता हूं? कब्रिस्तान जा सकता है? हाँ, जा तो सकता हूं। ये तूने किसी खुली कब्र में फेंकनी है। ये है क्या? ये उस जानवर की हड्डियां हैं जिसका तुम नाम नहीं लेते। तोबा तोबा, पता है कितना गुनाह होता है? हमारे लिए कोई गुनाह नहीं, इसके बगैर काला इलम मुकम्मल नहीं होता, समझा? जा, जा तू, जा। मेरी कोई मुरीद नहीं आई है, उठ, जल्दी जा। पुलिस का ये साबिका अहलकार जो नशा करके ड्यूटी से गैर हाजिर रहने की बिना पर महकमे से निकाला गया। महकमे से निकाले जाने के बाद इसने जादू टोना सीखने के लिए सूरज बाबा नामी शख्स की शागिर्दी इख्तियार की, मगर इस इल्म के कवायद की पाबंदी ना करने की वजह से ये वहां से भी निकाला गया। बस फिर क्या था, ये शख्स नॉर्मल नहीं रहा बल्कि एक जुनूनी बन गया और इसने सूरज बाबा से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अच्छा, तो ये बात थी जिसकी वजह से तुमने पापा सूरज की जान ली है? बोल। मैंने एक ही सूरज को नहीं मारा। और कितने मारे तूने, बता। काला जादू करने वाले चार। वो क्यों? वो बहुत कठिया काम करते थे, घर उजाड़ते थे लोगों को। फिर तो क्यों सीखने जाता था उसके पास? है, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। भाई, तू पढ़ा बोला है ना, बता कितने कत्ल किए तूने? लतीफ कॉलोनी के रफीक को, जोधर कॉलोनी के मरीज को। तुझे पता है अब तेरे साथ क्या होगा? अब तू नहीं बचेगा। जब मैंने लतीफ को मारा था तब भी बच गया था। वो कैसे? मेरे भाई ने 4 लाख देकर सुलह करवा दी थी। अब वो बाकी जिनको मारा था उनका पता ही नहीं चलने दिया, लाश को जमीन में दबा दिया। पर अब नहीं बचेगा तू। ये देखो, एक दफा, सिर्फ एक दफा छोड़ दो। क्यों? फिर मारना है किसी को? फिर मारना? जहां कहीं भी काला जादू वाला नजर आएगा सबको मार दूंगा। वो लोगों की घर बर्बाद करते हैं, मैं उनको बर्बाद कर दूंगा। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं।
आप जब बुलाइए मैं थाने आऊंगा, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार मुझे जाने दो वालदार साहब, जाने दो, जाने दो। ऐसे किसी भी शख्स को एक पुरअमन माशरे में रहने का कोई हक नहीं जो अपने शैतानी अमल से लोगों को तंग करे और अपने खलीज इल्म की बिना पर लोगों की जिंदगियों से खेले। बस यही वो सोच थी जिसने नूर आलम को एक जनूनी शख्स बना दिया। मुस्तकिल मिजाजी ना होने की वजह से नौकरी से निकाले जाने के बाद उसने कई तरह के कारोबार करने की कोशिश की मगर हमेशा नुकसान उठाया। फिर उसने जादू टोना सीखने का प्रोग्राम बनाया मगर उसमें भी नाकाम हुआ। इस केस में असल गुनहगार कौन है, जादू टोना करने वाले अफराद या फिर उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाने वाला एक जनूनी शख्स? इसका फैसला आप करें। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार के बारे में तो हमें बताइए, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर और हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/gunahgar.com। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनाहगार कौन।